सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ क्राइम टीवी पर। मुख्य प्रत्याशी उम्मीदवार श्रीमती पूनम कुमारी पति नारायण शर्मा, ग्राम सोहरिया मिलिक पंचायत सोहरिया मिलिक वार्ड नंबर 10 प्रखंड बनमनखी जिला पूर्णिया पंचायत के योग्य शिक्षित कर्मठ ईमानदार सहनशील और कर्मशील श्रीमती पूनम कुमारी को एक बार अवश्य भारी मतों से विजयी बनाए। श्रीमती पूनम जी का कहना है कि मैं इसलिए मुखिया पद का चुनाव लड़ रही हूं कि जो काम पंचायत में होना था विकास का 100% अधूरा पड़ा हुआ है, एक बार चुनाव लड़ने का मौका अवश्य दे। मैं मानवता के आधार पर विकास करूंगी, जैसा कि पेंशन, राशन कार्ड, इंदिरा आवास योजना, मवेशी भवन एवं बकरी भवन तथा गली नली में शोलिंग का विकास करवाएंगे। सभी योजना का लाभ गरीब से गरीब आदमी तक पहुंचाएंगे। हर समय दुख और सुख में साथ रहकर समाज के विकास पर ध्यान रखूंगा। सिर्फ एक बार इस वर्ष पंचायत वासियों की समस्त परिवार के जीत की आशीर्वाद मांगता हूँ। पंचायत वासियों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी बधाई। पूर्णिया से खास रिपोर्टर मोहम्मद नौशाद। यहाँ का ग्रामीण लोग मुखिया पद से आपको जिता देते हैं सर, आपका प्राथमिकता क्या रहेगा सर पंचायत में? जी, मेरा उद्देश्य है इस पंचायत में सरकार के द्वारा जो भी राशि सरकार के विभिन्न योजना के अंतर्गत जनता के लिए दी जाएगी उसको ईमानदारी पूर्वक धरती पर उतारने का मेरा कोशिश रहेगा। इसमें किसी भी तरह की कटौती नहीं होगी, ईमानदारी पूर्वक सारा काम हम करते रहेंगे और इसमें प्राथमिकता और सार्थकता जनता के अभिरुचि के अनुसार होगा। जी, जनता के अनुसार हम सारा काम धरती पर उतारने का, जनता के सहयोग से सारा काम को, सारी योजना को धरती पर उतारने का कोशिश करेंगे। उसमें हर हमेशा जनता का सहयोग हम लेंगे। जी, और कुछ कहना चाहते हैं सर प्राइम न्यूज़ के माध्यम से? प्राइम न्यूज़ के माध्यम से और कुछ कहना चाहेंगे आप? इस न्यूज़ के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार की योजना में, सरकार का जो उद्देश्य है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, इसमें सरकार का उद्देश्य है पंचायत विकास की। तो पंचायत विकास का उद्देश्य है, इसको मैं समझता हूँ कि पंचायत का विकास जो त्रिस्तरीय चुनाव के द्वारा सरकार का यह एक व्यवस्था है और इसमें सरकार क्यों पंचायत को आगे लाना चाहते हैं, इसमें किसान का विकास है और कृषि से संबंधित ये खेतिहर मजदूर का विकास है। न हिंदू में हूँ, न मुसलमान में हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ, हर इंसान में मैं हूँ। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूँ। सुबह की प्रार्थना में हूँ, शाम की आजान में हूँ, रविशंकर की सितार की आवाज में हूँ, बिस्मिल्ला की शहनाई की गूंज में हूँ, हमीद की दहाड़ में हूँ।